बुरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात आई, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया, तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक ऐसा बयान दे डाला जिससे हर तरफ हंगामा मचना शुरू हो गया। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के बयान का विरोध कर रही है, तो वही महिलाओं ने भी नीतीश कुमार के बयान को शर्मनाक बताया है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने बयान पे माफी जरूर मांग ली है, वो भी हंगामा होने के बाद। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार के बयान का हर तरफ विरोध हो रहा है, तो वहीं महागठबंधन में नीतीश कुमार की सहयोगी राजद उनके बचाव में उतर आई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बाद उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के बयान पर सफाई दी है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि गलती से उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने इस बयान के लिए सदन में माफी भी मांगी है। विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए, नीतीश ने अपने बयान पर पछतावा किया है, वो गलती से बोल गए। आइए आपको सुनाते हैं राबड़ी देवी ने आखिर किस तरह से नीतीश कुमार का बचाव किया है। सदन चलने देना चाहिए, तो ये तो भाजपा वाले बात का पत्थर न मना रहे सर। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार का बचाव किया था। उन्होंने विवाद बढ़ने पर कहा था कि मुख्यमंत्री के बयान को दूसरे नजरिए से देखना सही नहीं है और वो केवल सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे जिसकी पढ़ाई स्कूलों में भी होती है। सदन के अंदर जिस तरह से महिला विधायकों ने बयान लगाया है, एक भाजपा की महिला विधायकों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने सदन में कुछ ऐसे बयान दिए जो अमर्यादित हैं। नहीं देखिए, एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उसे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात आई, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया, तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। चलिए अब आपको नीतीश कुमार का वो बयान भी सुना देते हैं जो उन्होंने विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोला था, लेकिन इसी दौरान महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान भी दे दिया था जिसकी वजह से अब हंगामा मचा हुआ है। बुरी चीज न है, तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो, करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। नीतीश कुमार के इस बयान का हर तरफ विरोध हो रहा है, कहीं पुतले तक फूके जा रहे हैं, तो महिलाओं ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई है। हालांकि हंगामा बढ़ता देख नीतीश कुमार ने माफी तुरंत मांग ली, लेकिन महिलाओं पर दिए गए इस बयान ने उनकी मुश्किल जरूर बढ़ा दी है। इसकी वजह ये भी है कि मामला जल्द शांत होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।